एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा जी बैठे हुए थे। वह सुबह से शाम तक जप करते रहते और कहते, जो चाहोगे सो पाओगे। वहां से गुजरने वाले लोग साधु जी को पागल समझते, उनकी बातें सुनकर वह अनसुना कर देते और उन पर हंसते रहते। एक दिन भीमा वहां से गुजरा, वह साधु जी की बात सुनकर रुक गया। जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनते ही भीमा साधु जी के पास आ गया और पूछने लगा, महात्मा जी आप बहुत देर से कह रहे हैं जो चाहोगे सो पाओगे, क्या आप मुझे सचमुच में वह दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम क्या पाना चाहते हो। महात्मा जी मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, क्या आप मेरी यह मनोकामना पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितना चाहे उतना धन बना लेना। महात्मा की यह बातें सुनकर भीमा खुश हो गया। महात्मा जी ने भीमा को उसकी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने के लिए कहा। भीमा ने अपनी दोनों हथेलियां आगे कर दी। महात्मा जी ने उसकी एक हथेली पर पहले अपना हाथ रख और कहा, बेटा यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं, इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रख लो, इससे तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, इसे हमेशा मुट्ठी में जकड़ कर रखना। महात्मा जी ने भीमा के दूसरे हाथ में अपनी हथेली रखकर कहा, बेटा यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं, जब किसी काम को शुरू करने के बाद पर्याप्त सफलता प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वह पा सकते हो। भीमा ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद किया और वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के दो गुरु मंत्र मिल चुके थे। उसने निश्चय किया कि वो अब अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगा और हमेशा ही धैर्य से काम लेगा। समय बाद भीमा ने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक वह व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा। फिर एक दिन भीमा हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। प्रेरणा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें सदैव समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने हाथ में रखे, अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दे और कभी कठिन समय में धैर्य का साथ ना छोड़े, सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।